Here is the Nubra Valley. आप अगर देख रहे होंगे बहुत ब्यूटीफुल मौसम बन रहा है, पूरे बादल नीचे उतरे हैं, पर यहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं होती, मतलब ऐसे हल्की हल्की होती है। कल से हम देख रहे हैं कि बादल बहुत दिखते हैं, यहाँ पे फॉगी है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंड भी अच्छी खासी है। सो पैकेज पैकिंग हो गया, लोडिंग हो गया, सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स पैंगोंग। तो पैंगोंग हम आज अगम शोक रोड से जा रहे हैं। दिस इज़ द न्यू बीज दैट आई गॉट यस्टरडे। बुलेट पे लद्दाख कैरियर पे लोड करना बहुत ही ईजी है यार, मतलब मज़ा आ गया। एनी वे अभी पेट्रोल पम्प भरेंगे, पेट्रोल पम्प जाएंगे, पेट्रोल भरेंगे, देन वी विल मूव टूवर्ड्स पैंगोंग वाया अगम शोक रोड। तो वो एक आज का एडवेंचरस होने वाला है थोड़ा, लेट्स सी। ये देखिए स्टैंड ड्यून्स, यार क्या सुपर्ब लग रहे हैं, ऐसा लगता है किसी ने ऐसे सजा के रखा है उनको। पता नहीं कैसे के यहाँ पे बाजू में बर्फ़ है, सैंड ड्यून्स है, कुदरत का करिश्मा। दिस वैली इज सो ह्यूज ह्यूज, मतलब बहुत पसंद आया मेरे को नुब्रा वैली, बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, इवन मोर देन कश्मीर, वे मोर देन कश्मीर वैली। So guys, this is Nubra River. If you see below, मैं तो नहीं देख रहा हूँ क्योंकि डर लगता है भाई। बहुत डीप है, एकदम से बहुत डीप है। And now we have crossed Diskit and going towards the Y bend where one road goes to Kundar Turtuk, this one, and the other goes to CHN Glacier via Varchi, Panamik, Sumur. देखो सुपरमैन जा रहा है केप अपना उड़ाते हुए, सुपरमैन ऑन अ बुलेट। बहुत सुंदर, सो गाइस दिस इज द नुब्रा वैली। ये शॉट कल बहुत सुंदर आ रहा था, बहुत सुंदर आ रहा था। आई हैव टेकन एक्चुअली यू टर्न, सो राइट नाउ आई एम गोइंग अगेन ऑन द डिस्किट साइड जस्ट टू टेक दिस शॉट। ज़बरदस्त है यार, पूरा ज़बरदस्त। दिस इज़ वेयर द नुब्रा वैली स्टार्ट्स। तो कल इतना मस्त आ रहा था ये, ऐसे यहाँ पे सनलाइट था ऐसे, एंड ऐसे पूरा वो यहाँ पे रेज ऐसे दिख रहे थे उसके। लुक एट दिस रोड यार, पूरा स्ट्रेट रोड है एकदम। फ्रॉम दिस मोमेंट आई हैव स्टार्टेड टू एक्चुअली लव नुब्रा वैली, मतलब कल जब हम आ रहे थे। बुलेट 120 पे, ऐसा लग रहा चक्का निकलता पीछे का। नहीं रे बाबा, किसी और की गाड़ी के साथ मजाक नहीं, किसी और की गाड़ी और अपने लाइफ दोनों के साथ मजाक नहीं। गाइज अभी एक चीज़ हुई, आई हैड अ माइनर फॉल। एक्चुअली हुआ कैसा कि हम वो पूरा माउंटेन जो था पीछे का वो नीचे उतर के एक शार्प राइट टर्न था, छोटा सा नैरो रोड था एंड बाजू में पूरे पत्थर थे, एकदम नैरो हो गया रोड। तो मैं बीच में से तो आया बराबर, एंड पीछे जो आ रहे थे नंदू भैया, उनको मैंने इंडिकेशन दिया कि ऐसा ऐसा करके कि यहाँ पे रोड ख़राब है करके। उसके बाद थोड़ी सी बेवकूफ़ी की मैंने कि इंडिकेशन देने के बाद मेरा काम हो गया था, बट मैं और रियर व्यू में देख रहा था कि वो बराबर आए कि नहीं। उतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में गाड़ी मेरी वो पत्थरों पे गिर गई जिसका मैं उनको इंडिकेशन दे रहा था। थैंकफुली स्पीड बहुत कम थी, ऐसी गाड़ी ऐसी हुई, एंड फिर मैंने ब्रेक भी मार लिया था तब तक, तो लेफ्ट साइड में गिर गई एंड मैं गाड़ी से बाजू हो गया और क्रैश गार्ड थोड़ा सा पीछे आ गया गाड़ी का, बाकी तो कुछ हुआ नहीं गाड़ी को। एक हाँ ये मिरर थोड़ा सा निकल गया, तो ये इसको
फिट करना पड़ेगा। मैं कंधे पे गिरा एंड एल्बो पे गिरा, तो कंधा और एल्बो पे राइडिंग गियर का जो प्रोटेक्शन है, ऑल दो स्पीड ज़्यादा नहीं थी बट कंधे और एल्बो का जो प्रोटेक्शन है बहुत ही तगड़ा है वो। मतलब मुझे ना इम्पैक्ट फील हुआ, खरोज वगैरह तो दूर की बात है बट नॉट इवन इम्पैक्ट। मेरी बेवकूफ़ी थी थोड़ी सी कि मैंने ऐसे क्रूशल टाइम पे रियर व्यू में देखा, जबकि मैं वो क्रॉस कर गया था अच्छे से। कि अगर डोमिनार रहती थी तो मैं उसको कैसे भी करके कंट्रोल कर लेता था, बिकॉज वो गाड़ी की मेरे को काफ़ी आदत है। व्हाट अ ब्यूटीफुल वैली, ये शोक वैली है एंड वी आर गोइंग टू अगम। मस्त है लैंडस्केप। गाड़ी फंस गई यहाँ पे, पीछे आ रही है राहुल की। थैंक यू। अरे बाप रे, मेरे को बड़ा धीरे गाड़ी चलाने की इच्छा हो रही। सब लोग निकल गए आगे, जनरली मैं पायलट रहता हूँ या फिर लीड रहता हूँ। अभी सब लोग निकल गए आगे, मैं मस्त धीरे धीरे से आ रहा 40 की स्पीड में गाड़ी चला के। आने को मिलेगा क्या? टाइम अभी हो रहा है 3:30, 4:00, 5:00, आई डोंट नो। इसमें तो है नहीं घड़ी मेरी, डोमिनार के भरोसे आया था कि उसमें से वॉच देख देख के बताता था आपको। इसमें तो है सिर्फ एक स्पीडोमीटर। क्या दिख रहा बॉस? बढ़िया। यहाँ पे ऐसे ग्रीन प्लेन्स लग रहे हैं, एकदम बढ़िया है। सो वी हैव टेकन द लेफ्ट टर्न ऑन दुरबुक रोड। दिस इज द लुकुंग रोड विच गोज टू पैंगोंग एंड वन रोड गोज टू चांगला। सो दैट इज द रोड वेयर यू कनेक्ट टू ले सिटी क्रॉसिंग चांगला। हमारे परमिट्स एक बार चेक हुए, पहली बार। नुब्रा में किसी ने भी चेक नहीं किया, कुछ नहीं किया।
अभी चेक किया यहाँ पे, टाइम इज़ अराउंड 4:40, 4:30 एंड पेंगोंग लेक इज़ जस्ट 15 किलोमीटर साइड, 15 to 20 किलोमीटर साइड. सो दैट्स द फर्स्ट टाइम वी हैव स्पॉटेड पेंगोंग लेक. I was wondering a lot, like looking was just 3 kilometers ahead, but we hadn't spotted the lake, and now we are very excited. So let's go to Lukung and see what the lake has got for us. Wow! Oh, and look at this! Suddenly snowfall has started. Woo! Road condition is pretty bad, and snow is falling. Snowfall. पैंगोंग लेक पे बहुत ठंड है. शिट, वहां पे तो धूप दिख रही है यार. लेट्स सी, संभाल के चलाना पड़ेगा थोड़ी गाड़ी. इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट टू सी ऑन द रोड बिकॉज ऑफ माय वाइजर एंड दिस स्नोफॉल. ऐसे लग रहा है बिना केबल का टीवी देख रहा हूँ, यहाँ स्टैटिक दिखता है. Finally, we have reached Lukung, and now we are heading towards the Pangong Lake. Most probably, we will try to settle down at Spangmik. Otherwise, Lukung is fine as well. Mausam thoda sa kharab hai. We had expected sunlight. Wow! Look how beautiful it is. Woo! Pangong Lake. Just too good to believe. We faced a lot of difficulty in finding the stay for the night. Sare tent full ho chuke the, but finally found a decent homestay. It was pretty dark by the time we checked in, so we decided to visit the lake next day. I'm very tired right now and ending the vlog. Hope you liked the video. Bye bye, good night.